जमुई चकाई थाना के समीप शिक्षक भवन में पिछले कई वर्षों से हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा। शिक्षक भवन पर अतिक्रमण से नाराज शिक्षकों ने बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद साह एवं प्राथमिक शिक्षक के प्रखंड अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में एकजुट होकर शिक्षक भवन के समीप पहुंचकर उसमें तालाबंदी कर दी। इस दौरान शिक्षकों ने भवन को अतिक्रमण करने वाले दबंगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अभिलंब अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। इस मौके पर शिक्षक नेता जयप्रकाश पासवान ने बताया कि वर्ष 1964 में शिक्षक भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें शिक्षक लोग अपनी समस्याओं को लेकर आपस में बैठक आदि का आयोजन करते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से समीप के एक सीमेंट दुकानदार द्वारा भवन का अतिक्रमण कर लिया गया है। भवन में सीमेंट का गोदाम बना दिया गया है, जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व भी भवन को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन सीमेंट दुकान संचालक द्वारा भवन को खाली नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर शिक्षकों ने आज भवन में तालाबंदी कर दी और अभिलंब भवन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। कि हम लोगों का पिछला 1964 से संघ भवन स्थापित हुआ है, इतने वर्षों से हमारे शिक्षक वृंद यहाँ रहते आ रहे थे, विगत कुछ वर्षों से इसको अतिक्रमण कर लिया गया है कुछ बगलगीर के द्वारा। हम लोग बार बार अल्टीमेटम उनको देते रहे कि आप इनको खाली कर दीजिए। पुनः उसी कड़ी में हम लोग 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस दिन भी इनको अल्टीमेट कर दिए थे कि एक सप्ताह के अंदर आप अपना जो भी सामान पत्र रखें उसको खाली कर दीजिए। इन्होंने कहा भी कि हम खाली कर देंगे, लेकिन आज 15वां दिन हम लोग पहुँचे। इसके पूर्व भी हम लोग मोबाइल से इनको संपर्क किए, बोले हाँ कर देंगे, गोदाम बना रहे, खाली कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बाध्य होकर हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ साथ साथ अन्य शिक्षक संगठन के नेताओं के द्वारा एक बैठक हुआ बीआरसी में, और बैठक के उपरांत ये निर्णय हुआ कि आज हम लोग सामूहिक रूप से चलेंगे और खाली करने का उनसे आग्रह करेंगे। पुनः उनको बुला के हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने आग्रह को ठुकरा दिया। बाध्य होकर हम लोग ताला मार दिया, 4 दरवाजा था, हाँ, खाली करने के बजाय और इसमें स्टोर करते जा रहा है। इसलिए इनका प्रथम दृष्टा है, इनका मनसा गलत प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग सभी भाई, सभी संगठन के लोग एकजुट होकर आए हैं और अवैध रूप से कब्जा को मुक्त कराना हम लोग के अंतिम लक्ष्य है, और जितना भी संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे। सभी लोग हम लोग इस मुद्दे पर एक हैं, जब तक खाली नहीं हो जाता शिक्षक भवन। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आने के लिए यहाँ प्राथमिक शिक्षा संघ को, और 1.5 वर्ष पहले भी हम मिले थे, हम लोग 5-7, हाँ, कोरोना से पहले हम लोग 5-7 शिक्षक प्रतिनिधि आए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमको 15 दिन का समय दिया जाए, फिर भी इन्होंने खाली कुछ नहीं किया। और हमें पता चला कि 2-3 दिन बाद इन्होंने एक ट्रक माल फिर उसमें भर दिया। इनको बीच बीच में कहा जाता रहा, लेकिन इन्होंने कभी खाली नहीं किया। इनकी गलत मंशा से ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं इसका, और इन्होंने कभी खाली नहीं किए। आज भी हम लोग को जो वहाँ सभी सम्मिलित शिक्षक संघों की जो बैठक हुई बीआरसी में, उसके बाद हम लोग यहाँ आए कि आज इनको खाली करवाना है। सभी शिक्षकों में एक मत हुआ कि आज इनको खाली कराना है, या इनको खाली कराने का आश्वासन लेना है, लेकिन इन्होंने टाल मटोल की नीति अपनाई, इधर उधर से फोन कराने का प्रयास किया इन्होंने, और 6 महीने का ये समय मांग रहे थे। तो 6 महीना तो इनको 1.5-2 साल समय दिया गया, लेकिन इनकी मानसा गलत है, इसलिए ये खाली ही नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने एक मत से इनमें तालाबंदी किया गया, और ये जब कभी भी अपना एक मत होंगे कि हमको खाली करना है, ये ताला खुल जाएगा।